अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप देख रहे हैं परीक्षा मार्केटिंग और मैं हूं आपका होस्ट जाज़िब मुग़ल जी। तो नाज़रीन, आज की जो वीडियो व्लॉग है ये हमारा व्लॉग DHA वैली लिली सेक्टर B2 DHA 2 होगा इंशाल्लाह। चूँकि मुझे भी अर्जेंटली जाना पड़ गया है किसी ज़रूरी काम से, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितनी स्पीड से जा सकता हूँ मैं जाऊँगा। उससे आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि अगर आप लोग स्पीड में वैली आना चाहें DHA 2 या DHA वैली से DHA 2 जाना चाहें, तो उसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो फाइनलाइज हो जाएगी कि कितने एग्जैक्टली मिनट लगेंगे आपको। और टाइम हुआ जी इस वक्त 3:12 और आज दिन है जी 18 दिसंबर 2023 का। इस वक्त ये वीडियो व्लॉग जो है वो शूट हो रहे हैं। इस रोड पे अगर आपकी स्पीड 80 है तो फिर भी आप ये वाले टर्न्स ले सकते हैं इजीली। इस रोड को ऐसा बनाया गया है। अब ये पहले स्पीड ब्रेकर नहीं हुआ करते थे, अगर आप मेरे शुरू के व्लॉग देखें तो स्पीड ब्रेकर ये बाद में ऐड हुए थे, क्योंकि यहाँ पे एक फेयर एक्सीडेंट हो गया था 2 गाड़ियों का आपस में, जहाँ से भी मैं गुजर के आया हूँ ना, जहाँ मैंने आपसे कहा था 80 की स्पीड पे आप गाड़ी चलाइए, इधर बिल्कुल उस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था। तो उसके बाद से फिर ये स्पीड ब्रेकर और ये चीज़ें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लगनी शुरू हो गई थी। और ये जी नाज़रीन, मैं सुकत हूँ DHA 5। स्पीड ब्रेकर आड़े हाथों आ जाते हैं जी, इस वजह से आपको स्पीड को जो है वो रिड्यूस करना पड़ता है। कॉलस नंबर हुआ, सॉरी नाज़रीन, वो डंडा जो है वो ऊपर जाने में थोड़ी देर होगी, एक्सट्रीमली सॉरी।
पहले भी कई दफ़ा मैं इस तरह के व्लॉग बना चुका हूँ, जिसमें अगर आपने प्रीवियस व्लॉग देखे हों तो कितने किलोमीटर का सफ़र बनता है, कितने मिनट का बनता है और वगैरह वगैरह, ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ। लेकिन चूँकि आज मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, मुझे अर्जेंट DHA2 पहुँचना है, तो उसमें मैं काफ़ी सारा टाइम को जो है ना वो रिड्यूस करने में कामयाब हो जाऊँगा। इस वजह से मुझे ख्याल आया कि ये व्लॉग बना देना चाहिए। इसकी वजह ये है कि आप लोग अगर देखेंगे टाइम बच रहा है, डेफिनेटली फिर इसका आपको बेनिफिट भी होगा। मकसद होता है आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन मालूमात जो है वो आपको देता रहूं, और हालात बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, कुछ भी नहीं बदला, इवन के रेट्स भी नहीं बदले। हालांकि डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, फिर भी कुछ बदलने का नाम नहीं ले रहा। फोकस कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी मेरी इसको 15 मिनट में मैं रिड्यूस करूँ इंशाल्लाह ताला, क्योंकि थोड़ी सी ट्रैफिक मुझे देखनी पड़ेगी रवात टूटी चौक, वहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाता है। कोशिश करेंगे कि उसको भी 15 मिनट के अंदर अंदर ही हम रिड्यूस करें, और
पे ट्रैफिक की वजह ये भी है जी, छोटे छोटे गांव है और ये रास्ता कश्मीर से आ रहा है, मेन हाईवे है कश्मीर का, तो दैट्स वाई हल्की पुल्की ट्रैफिक चलती रहती है। और रोड का जो पैरामीटर है आई थिंक 35 फुट है ये, 30 to 35 feet का रोड है। इसके ऊपर आप को ऐसे ही रश मिलेगी। हाँ, रात में जब कभी भी आता हूँ उस वक़्त इतनी रश नहीं होती, क्योंकि रात में ट्रैफिक बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। उस वक़्त मैं अपनी मर्ज़ी कर लेता हूँ। इस वक्त चूँकि दिन का टाइम है, मैंने आपको बताया है 3:15 बजे मैं निकला था, तो इस टाइम पे रश होती है। ये आपके सामने ही है जी ट्रैफिक का जो मामूल है वो कैसे है। अब इसमें मैं गाड़ी तो उड़ाने से रहा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे हम अपने मुकर्रा वक्त के ऊपर इसको क्लोज़ करें और DHA 2 जो हमने अभी पहुंचना है हम उसके बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचें। अभी हमारे सामने एक बहुत बड़ा ट्रक आ गया जी, जिस वजह से ये ट्रैफिक सारी ही स्लो चल रही है। ये मित्सुबिशी वाले को रास्ता मिला है, आई थिंक हमें भी मिलेगा। मिल गया जी रास्ता, मिल गया जी। चौक से आगे तो ऑलमोस्ट 1 मिनट का ही रास्ता है, पर ये जो अभी जो पैच है ना, ये थोड़ा सा भी हमें तंग करेगा। कामिल कोच साहब, पर ये मेरा रॉन्ग टर्न था जी, बस वाला जो था वो साइड दबा रहा था। बहरहाल जी, इंशाल्लाह टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। अभी बिल्कुल 1 मिनट बचा जी, अगले 15 सेकंड में 20 सेकंड में इस बात का फैसला हो जाएगा। मुश्किल है, टाइम को थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा जी, सॉरी एक्सटेंड करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि 14:22 यहाँ पे हमें हो चुके हैं और अभी मैं इस वक्त हूँ रवात यू टर्न पे। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 मिनट का ये है और 1 से 1.5 मिनट का आगे, 3 मिनट हमें एक्सटेंड करने पड़ेंगे नाज़रीन। अब इस 3 मिनट को एक्सटेंड करने के बाद भी क्या हम पहुंच पाएंगे, अब ये देखना है कि मुझे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम पहुंच जाएंगे। मैं असल में मैं बीच में स्किप नहीं करना चाह रहा रास्ते को, ब्लॉग का बेसिक मकसद जो है ना वो ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि आज की डेट में जो जो काम और जिस जिस तरीके से मैं मतलब जो चीज़ें कवर करके आपको दिखा के यहाँ तक लाता हूँ, उसका मेन मकसद ये होता है कि जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये ब्लॉग देखते हैं तो वो इस एरिए को आज की डेट में जब देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि इससे पहले जब मैंने देखा था तो ये चीज़ मौजूद नहीं थी रोड पर, या ये साइन बोर्ड नहीं था, या ये इस तरह से ब्रिज नहीं था, कुछ भी ऐसा होता है जो नहीं था जो कि अब मौजूद है। तो ये उन लोगों के लिए बड़ी विजिबल हो जाती है चीज़ें, और मैं बस स्किप नहीं कर पा रहा।
और ट्रैफिक जो है ना ये मेरे सर पे मंडला रही है, सारा टारगेट जो है ना वो इधर उधर हो चुका है। टारगेट था 15 मिनट में पहुंचने का, जो कि अब हम एक्सटेंड कर चुके हैं, 3 मिनट और आगे कर चुके हैं इसके। अब अगला चैलेंज हमारा ये है कि अगले 3 मिनट में भी हम पहुंच पाएंगे कि नहीं। लोग तो नाज़रीन कहीं से भी रास्ता देने को तैयार नहीं होते, लोगों की तो कोशिश होती है कि रास्ता दिया ही ना जाए, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में भी अपने रास्ते इसी तरह से निकालते हैं और कामयाब लोग तो इसी तरह रास्ता निकालते हैं कि आपको कोई भी रास्ता नहीं देगा, कोई भी स्पेस नहीं देता कि आप खड़े हों, हाल दो कि आप चलें या आप भाग सकें। ये रास्ते आपको खुद ही निकालने होते हैं और इनके ऊपर फिर खुद ही चलना या भागना होता है। तो ये जैसे मैं अपने रास्ते खुद ही निकाल रहा हूँ इस वक्त, इसी तरह से लाइफ के रास्ते निकलते हैं जी। तो आई थिंक कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ हमें 3 मिनट एक्सटेंड करने का भी, क्योंकि मैं स्पीड बढ़ा ही नहीं पा रहा अपनी ड्यू टू ट्रैफिक रीज़न, और इसमें झूठ भी नहीं है क्योंकि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि मैं बेबस हूँ। अगर मुझे इस तरह से ट्रैफिक मेरे आगे ना मिलती तो आई एम डैम श्योर कि मैं आपको 15 मिनट में DHA 2 गेट नंबर 7 पे मिलता। बहरहाल एनी हाउ मुकर्रा वक्त पर मंजिल पर अगर आप नहीं पहुंचे तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान को चाहिए अपने गोल्स अपने टारगेट ख़ुद सेट करे, फिर जब उसको अचीव ना कर पाए तो फिर स्ट्रेटजी चेंज कर ले। रियल लाइफ के तो यही चक्कर हैं जी, कि अभी जिस तरह से मैंने ट्राई की कि मैं 18 मिनट में यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, बट मैं नहीं पहुँच पाया। मैं तो 18 मिनट में एग्जैक्टली टी चौक भी नहीं पहुंच पाया, उसके लिए भी मुझे आई थिंक 18 हो गए, 18 मिनट भी क्रॉस हो गए जी हमारे। अब जाके मैं टी चौक पहुँचाऊँ और इंशाल्लाह ताला जो एक्सप्रेस वे है ना उस पे तो मुझे एग्जैक्टली 1 मिनट ही चाहिए, बशर्ते के चेक पोस्ट पे अगर मुझे ना रोका गया तो, चूँकि यहाँ पे एक्सप्रेस वे पे इस्लामाबाद की चेक पोस्ट भी लगी होती है जहाँ पे प्रॉपर चेकिंग चल रही होती है, क्योंकि आप दारुल खिलाफा में एंटर हो रहे हैं और दारुल खिलाफा में एंट्री के लिए आपको चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता है। आप देख सकते हैं बाइक वाले को रोका है, इस तरफ फिर बाइक वाले को रोका हुआ है इन्होंने। अब उनकी चूंकि मुझ पे नज़र नहीं पड़ी इस वजह से मैं निकल गया हूँ, अदरवाइज ये क्राइम है, आप लोग अवॉइड किया कीजिए। दौरान ड्राइविंग मैं वीडियो कैम में उससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ये एक मेजर क्राइम है जी, तो इससे बचना चाहिए। चेक पोस्ट से तो मैं बच गया, बहरहाल आज का व्लॉग जो है वो मेरे लिए भी थोड़ा सा शुगर ही बन गया। 15 मिनट का बोला था, 18 मिनट पे गए, 18 मिनट से हमने 20 मिनट का बोला था और 20 मिनट पे हम खुद आ गए, और मैं ये इस ट्रैफिक के हाथों मजबूर हूँ जी, क्योंकि मेरे पास गाड़ी है, जहाज़ नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं है कि मैं यूं धाम करके ऊपर से जाऊंगा और एकदम से DHA 2 लैंड कर जाऊंगा और रास्ता ख़त्म हो जाएगा। हाय 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 हाय, मैं भी पागल हूँ, ऐसी हॉर्न बजा रहा हूँ, इतने बड़े ट्रक को क्या फ़र्क पड़ता है हॉर्न से। बहरहाल जी कोई महंगा सौदा भी नहीं है, हम अभी भी बड़े
शॉर्ट टाइम में इधर आ गए हैं। जो लोग डी एच ए वैली आते हैं डी एच ए टू से, उनको ऑलमोस्ट 35 to 40 मिनट लग जाते हैं बस यहाँ तक। टेंशन होती है आगे, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको एक मिनट से पहले पहले पहुँचाऊँगा, क्योंकि अभी हम यहाँ से ट्रैक चेंज करेंगे अपना, और जैसे ही हमारा ट्रैक चेंज होगा हमारी स्पीड जो है उसको पर लग जाएगी। जी तो नागरी, यहाँ से मेरा ट्रैक चेंज होने लगा है और अब मैं आपको बताता हूँ स्पीड ये रही। ये एक्सप्रेस वे है और ये इस वक्त बिल्कुल रेडी है। और इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। नाज़रीन, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि मेरी तबीयत नासाज़ है पिछले काफ़ी दिनों से। पिछले 3-4 व्लॉग्स में आपको महसूस हो रहा होगा मुझे ज़ुकाम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग के साथ इंशाअल्लाह ताला। DHA2 आ चुका है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।